हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गठबंधन की मौजूदा सरकार अलग अलग चुनावी रणनीतियों के साथ काम कर रही है, ये हम नहीं सियासी सूरमाओं के बयान कह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का पिछले दिनों जेजेपी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लेकर दिए गए बयान ने राजनीति की सियासी हवाओं में गर्माहट ला दी है। सिरसा पहुँचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला चौधरी बीरेंद्र सिंह पर जमकर बरसते दिखाई दिए। अब दोनों नेताओं की जुबानी जंग आपको सुनवाते हैं। आज आप ये कहते हो कि ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये तो हमारा एक भी काम नहीं करते। ये पहले नहीं लगता था क्या आपको? उसका इलाका है ये, उसका गांव यहाँ का है, उसका कोई भाईचारा यहाँ है, लेकिन ये कि बीजेपी को हराना है, प्रेमलता को नहीं देखा आपने, बीजेपी को देखा। और दूसरी बात, वह और भी बड़ी बात कि इसमें देवीलाल चिमके हैं, वो जिसा चमक गया वो तो हमने भी देख लिया। अरे कमाल करते हो, क्या समझते कि भाई कोई घना लंबा हो जा तो तुम्हारे भी कई छोर सवा छत्तर फुट के उनमें भी देवीलाल चिमके हैं। लेकिन मैं एक बात, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि उसने यहां हिम्मत कैसे की आने की, वो बात आप समझते नहीं हो। उसने हिम्मत इसलिए की कि यहां के लोगों को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहकाया जा सकता है, और बहकाने में हमारे जैसा बखान में है नहीं कोई तेज, और तारे जैसा पकाई में आन जैसा तोड़ा पकाई में जितने तमाश को कोई है नहीं। तो इस तरह की राजनीति करो और फिर क्यों कहो ईव क्या उसने देखा था, क्यों देखोगे? अब वो ये नारा देंगे उसमें भी फंसोगे तब, मैंने पता है। ईव वो ये नारा देंगे कि छोटा चीफ मिनिस्टर तो पढ़ लिया, बड़े गायब का मौका है, फिर भी तब कहोगे हाँ बन तो उसके बाद। अरे कहीं तो खड़े हो, किसी बात पर तो रुको। और आपको अपने भाई अच्छे नहीं लगते, आपको अपना पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, आपको अपना मित्र अच्छा नहीं लगता, आपको बेईमानी की राजनीति पसंद है तो बेईमानों के साथ जुट जाते हो। वो कहते हैं कि गठबंधन होगा तो भी लड़ेंगे और नहीं होगा तो भी लड़ेंगे, तो राजनीति का खड़ा है, इसमें दो दो हाथ करके देख ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें कोई संकोच थोड़ी है। मतलब इतनी सीनियर आपका एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इतनी कमज़ोर बात करना, तो ये दिखाता है कि वो दुष्यंत चौटाला जैसे नौजवान के सामने विवश और मजबूर हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुष्यंत का कॉम्पिटिटिव तौर पर कॉम्पिटिशन नहीं कर पा रहे बल्कि अपनी लीडरशिप को सलाह दे रहे हैं। तो उनने पीछे रैली रखी 23 मार्च की रैली उनको कैंसिल करनी पड़ी या करी या जो भी हुआ। उनके बेटे कुछ कहते हैं, उनकी जो वाइफ हैं प्रेमलता जी वो कुछ कहती हैं, वीरेंद्र सिंह जी खुद कुछ कहते हैं। दिग्विजय ने कहा कि जेजेपी चुनाव के लिए तैयार है, आने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता उनके साथ खड़ी है। 24 के लिए यही तैयारी है कि इस बार युवा सरकार, हरियाणा प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को विधानसभा में देखना चाहते हैं, और उसके लिए मैं ये मानता हूँ कि चुनावी गेयर लग चुका है। अब अगला एक साल लोगों के बीच में जाकर, चाहे वो 75% का वादा जो पूरा हुआ, चाहे और जो विषय थे, पेंशन हम उतनी नहीं बढ़ा पाए जितनी हम बढ़ाना चाहते हैं, और भी जो विषय हैं सबको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और सकारात्मकता से जाएंगे। दुष्यंत चौटाला जिसकी छवि बेदाग छवि, साफ छवि, नरम छवि और एक ठोट जो ठेठ हरियाणवी की जो छवि है, उसके नाम पर आशीर्वाद मांगेंगे। वही दिग्विजय ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, उसी तरह हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला का कोई विकल्प नहीं है। कि जैसे केंद्र में मोदी का अभी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मोदी जी का,
वैसे ही हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला का अल्टरनेटिव नहीं है, दुष्यंत चौटाला को लोग आगे देखना चाहते हैं। काबिले गौर है कि इन दिनों जिस तरह की सियासी बयानबाजी सामने आ रही है उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय के बयान से भी ये साफ दिख रहा है कि जेजेपी बीजेपी पर अभी से दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। सूर्य समाचार के लिए सिरसा से नकुल जसूजा की रिपोर्ट।